बेटा प्रोफेशन जो है वो डॉक्टरी है, इंजीनियरिंग है, सीए है, मैनेजमेंट कर लो, मैनेजर बन जाओ, टीचिंग कौन सा प्रोफेशन है? ये सही कहा आपने पापा, टीचिंग प्रोफेशन तो नहीं है। यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बेटा एक बार अच्छे से सोच ले, आसान नहीं होगा। एकदम अच्छे से सोच लिया मम्मी, बिल्कुल आसान नहीं होगा। पूरी जिंदगी हर रोज 4 से 5 घंटे खड़े रहना होगा। पहले हफ्ते तो बहुत पैर दुखने वाला है, चौक से लिखते लिखते फ्रोजन शोल्डर या स्पॉन्डिलाइटिस भी हो सकता है। बच्चे भले ही क्लास में कर दें, लेकिन मुझे आधे आधे घंटे के लिए सुसु को रोक के रखना पड़ेगा। कभी चैन से लंच नहीं कर पाऊंगी, और अगर कोई बच्चा नहीं खा रहा हुआ ना, तो उतने ही टाइम पे उसे लंच कराना होगा। साल भर में एक दिन 1 मिनट से भी लेट नहीं हो सकती। रोज 50 बार गुड मॉर्निंग, 60 बार गुड आफ्टरनून का स्माइल करके रिप्लाई करना पड़ेगा। हफ्ते में 10 बर्थडे पूरे एक्साइटमेंट एंथुजियाज्म से सेलिब्रेट करने होंगे। एग्जाम टाइम पे बच्चों के पैनिक कॉल्स आएंगे, उन्हें संभालना होगा। कई बार ना चाहते हुए भी सिंसियर अच्छे बच्चों को फेल करना होगा। कई डिफिकल्ट पेरेंट्स को भी संभालना होगा। पूरी जिंदगी कंजर्वेटिवली ड्रेस्ड होना पड़ेगा। हर सेकंड अपने बेस्ट बिहेवियर पे होना होगा। कई बार बच्चों के फार्ट जोक्स पे आती हुई हंसी को रोक के उन्हें टोकना होगा। घंटों घंटों फोन यूज नहीं कर पाऊंगी। 15 अगस्त और 26 जनवरी को पूरे देश में सिर्फ मुझे ही छुट्टी नहीं मिलेगी। और मैं कितना भी अच्छा परफॉर्म कर लूँ ना, जब तक सीनियर टीचर्स रिटायर नहीं होते मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगा। और रिटायर तो वो कभी होंगे नहीं। तो मम्मी पापा, मुझे पता है कि ये आसान तो बिल्कुल नहीं होगा,